दिया है, ये देखिए 1, 2, 3, 4 ये हमारा हो गया है, 4 फोर तय हो गई है इसकी। अब हम इसका बोट नेक बनाएंगे इसे, तो हम इसका तीरा लेंगे 7.5, हम इस कपड़े को सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम लेंगे तीरा 7.5, मुड्डा भी 7.5 लेंगे इसका क्योंकि ये बोट नेक है। चेस्ट 42 है इसकी, तो आधा आज कर 42 का आधा 10.5 में हम एक जमा करेंगे क्योंकि ये बोट नेक है तो इसमें एक जमा होता है फ्रेंड्स। बाकी 2 हम मार्जिन लेंगे। और इसकी कमर रखेंगे 14 पर और हिप रखेंगे 21 पर। 36 है इसकी कमर, 36 का चौथाई 9 में आधा जमा करेंगे 9.5। इसमें भी मार्जिन 2 लेंगे। हिप 42 है तो 10.5 में हिप में हम आधा ही प्लस करेंगे तो हमारा 11 आएगा। हिप में हम 1.5 जमा करेंगे। जो नाप हमने हिप का लिया है वही हम चाक का भी लेंगे। ग्यारह और 1.5 इसमें जमा। अब फ्रेंड्स हम मिला लेंगे फिटिंग। ये फिटिंग है हमारी, ये हमारा मार्जिन है। यहाँ से हम 1.5 लेंगे और 7.5 का आधा कर देंगे 3.25 और इसकी गोलाई दे देंगे। गला रखेंगे हम 4 पर फ्रेंड क्योंकि ये बोट नेक है और आधे इंच डाउन कर देंगे इसे। ये फ्रेंड्स हमारी हमारा मेज़रमेंट था। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स ये रेडीमेड जैसा बनेगा कुर्ता। अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल सके। फ्रेंड्स कुछ गलतियाँ भी होती हैं तो अभी माइंड ना करें। मैंने आपको कट पहले भी बताए थे पहली वीडियो में और फिर बता रही हूँ, ये कट ज़रूर लगाएं ताकि हमारी फिटिंग इधर उधर ना हो या हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। फ्रेंड्स ये हमारा कपड़ा है, हम इसमें से बाजू काटेंगे तो इसको हम फोल्ड करेंगे चेस्ट के बराबर। गाइस
जितना हमने चेस्ट में लिया था वही लेंगे। मगर फ्रेंड्स इसमें 10.5 में आधा ही जमा होगा। और लेंथ है इसकी 15। फ्रेंड्स इसकी मोहरी है, दस इंच, 10 का आधा लेंगे 5, 5 में हम 1.5 जमा कर देंगे, 10.5, 6.5 सॉरी, यहाँ से हम लेंगे 3.5 और इसे मिला देंगे। हम इसको खोलेंगे तो थोड़ा छटाई कर देंगे बाजू की दोनों पल्ले पकड़कर। ये 2 पल्ले हैं गाइस। अब जब हम इसको स्टिचिंग करेंगे इस कुर्ते को, इसका डिज़ाइन उसी में दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।